चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना। केमिस्ट्री में हम लोग देख पा रहे थे कल केश वन सीखे थे, यानी कि अगर तरह तरह की अभिक्रिया हमें दिया रहेगा तो उस अभिक्रिया का वेग कैसे हम लोग लिखेंगे वो हम लोग पढ़ रहे थे। कल तक के वीडियोस में, कल तक के क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे केस वन, यानी कि जब वहां पे सिर्फ ए से अगर बी बन रहा होगा तब हम लोग कैसे अभिक्रिया के वेग को लिखेंगे, वहां तक के पढ़ लिए थे। अगर रिएक्शन, अगर अभिक्रिया इस तरह का होगा तो हम लोग अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अगर ऐसा अभिक्रिया होगा तो हम लोग कल भी पढ़े थे कि अभिकारक का भी अभिक्रिया का वेग निकलता है, प्रतिफल का भी अभिक्रिया का वेग निकलता है। अच्छा, टोटल भी हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि अभिक्रिया का वेग जो हम लोग टोटल लिख सकते हैं वो अभिकारक और प्रतिफल दोनों का साथ साथ भी लिख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर 2a प्लस b रहेगा तो हम लोग अभिकारक के लिखने, अभिकारक का कैसे लिखते हैं तो माइनस लगाते हैं। अच्छा, जब कभी भी अगर कांस्टेंट वैल्यू उसके पास में सटा हुआ रहेगा, जैसे 2a है तो 2 को हम लोग लिखेंगे नीचे, 1/2 2 को लिखेंगे नीचे। अगर 4a रहता तो 1/4 लिखते हैं, यानी कि कोई भी अभिकारक के यौगिक में जो भी नंबर अगर सटा हुआ रहेगा उसको लिखते हैं नीचे 1/2, और जो यौगिक दिया रहेगा उसका सांद्रण, यानी कि डेल ए का सांद्रण बटा डेल टी, नीचे डेल टी फिक्स है। या नहीं तो आप इसको, हम कल भी बताए थे कि डेल के बजाय आप डी भी लिख सकते हैं। उसी तरीके से प्रतिफल का यहां अभिक्रिया क्या होगा, तो प्रतिफल में केवल बी है तो, और प्रतिफल को डिनोट्स करने के लिए हम लोग प्लस बनाते हैं। प्लस क्यों होता है हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, यहां होगा डेल बी का सांद्रण बटा डेल डी। अब अभिकारक का हम लोग लिख दिए, प्रतिफल का लिख दिए, तो टोटल अभिक्रिया का वेग कैसे लिख सकते हैं, तो इसमें अभिकारक का भी लिखा जाता है प्रतिफल का भी लिखा जाता है। तो अभिकारक का कितना आया, -1/2 डेल ए बटा डेल टी, और बराबर करके प्रतिफल वाला भी लिखेंगे प्लस डेल बी बटा डेल टी। तो कुल मिलाकर ये इक्वल दे दिए, तो कुल मिलाकर अभिक्रिया का वेग हम लोग को ऐसा लिखेंगे अगर कैसा अभिक्रिया रहेगा, अगर ऐसा अभिक्रिया रहा तो। वैसे ही अब हम लोग चलते हैं केस नंबर 3, अगर कैसा अभिक्रिया रहा, अगर हम लोग का अभिक्रिया इस बार बदल गया, मतलब अब की हो गया ए से बन रहा है 2b, ए से बन रहा है 2b, अगर ए से अगर अभिक्रिया 2b बनेगा तो अभिकारक का अगर अभिक्रिया का वेग निकालेंगे तो माइनस, लेकिन यहां तो कुछ कांस्टेंट नहीं है, 2-4 नहीं है तो इसको हटा देंगे, यहां बचेगा डेल ए बटा डेल टी, डेल ए का सांद्रण बटा डेल टी। प्रतिफल का जैसे ही अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, यानी कि अभिक्रिया का वेग दोनों तरफ का लिखाता है, अभिकारक का भी और प्रतिफल का भी, मतलब रिएक्शन के लेफ्ट साइड, रिएक्शन के राइट साइड। अब इसको लिखेंगे तो यहां तो कांस्टेंट है 2, तो यहां प्लस तो लिखेंगे ही क्योंकि प्रतिफल का है, अब उसके आगे लिखेंगे 1/2 डेल बी बटा डेल टी। अब यहां पे हम लोग टोटल अभिक्रिया का वेग लिखेंगे, डेल ए बाई 2 माइनस में और प्लस में हो जाएगा 1/2 डेल बी बटा डेल टी। इस तरह से केस 3 अगर रहेगा तो कैसे करेंगे, अब अगर केस 4 रहेगा तो कैसे करेंगे, यानी कि अलग तरह का अब कुछ और अभिक्रिया रहा तो कैसे करेंगे, देखते हैं। अगर हम लोग केस 4 में अगर इस तरह का अभिक्रिया रहेगा, जैसे मान लिया ए प्लस बी से बन रहा है सी प्लस डी, अगर ऐसा अभिक्रिया रहेगा तब हम लोग अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे। अगर a प्लस बी से बन रहा होगा c प्लस डी तो आपको पता होना चाहिए अभिकारक तो इधर वाला बोला जाता है, अभिकारक लेफ्ट साइड वाला अभिकारक होता है, इसको बोलेंगे अभिकारक और इसको बोलेंगे प्रतिफल, यानी कि रिएक्शन के दाएं तरफ को बोलते हैं प्रतिफल। तो अब आपको यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होगा कि सर अभिकारक तो इसमें a भी है और b भी है तो हम लोग दोनों को लिखते हैं, और अभिकारक में याद रहे माइनस लिखा जाता है तो पहले ए का लिखेंगे, तो माइनस डेल ए का सांद्रण
बटा डेल्टी, और बराबर में चूंकि अभिकारक में एक और यौगिक है जिसका नाम बी है तो उसको लिखेंगे माइनस डेल बी का सांद्रण बटा डेल्टी। तो ये अभिकारक का लिखेंगे। वैसे ही प्रतिफल में दो ठो रहे चाहे तीन ठो रहे चाहे चार ठो हमें कोई मतलब नहीं है। तो अब प्रतिफल कितना है दो ठो, तो बारी बारी से लिखेंगे। पहले सी का, तो प्लस लिखेंगे डेल सी का सांद्रण बटा डेल्टी इक्वल, क्योंकि प्रतिफल में तो ये भी है इसलिए इक्वल का साइन देते हैं। अब डी का लिखेंगे, तो डी का कैसे लिखेंगे, तो डे प्लस, क्योंकि प्रतिफल को प्लस से सूचित करते हैं, यहां नोटिफिकेशन दे देना होता है, डेल डी का सांद्रण बटा डेल्टी। अच्छा, अब अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया का टोटली वेग अभिकारक वाला भी लिखा जाता है और प्रतिफल वाला भी लिखा जाता है। तो कुल मिलाकर आंसर क्या लिखेंगे, तो यहां वाला माइनस डेल ए का सांद्रण बटा डेल्टी इक्वल माइनस डेल बी का सांद्रण बटा डेल्टी इक्वल प्लस डेल सी का सांद्रण, क्योंकि अभिकारक प्रतिफल दोनों को मिलाकर लिखा जाता है अभिक्रिया का वेग, तो डेल सी बटा डेल्टी इक्वल प्लस डेल डी का सांद्रण बटा डेल्टी, यानी कि इसमें अभिकारक वाला भी हो गया और प्रतिफल वाला भी हो गया। तो इस तरह से अभिक्रिया का वेग जो हम लोग लिखते हैं फाइनल, वो दोनों लिखा जाता है। तो अगर ऐसा अभिक्रिया रहेगा तो कैसे लिखेंगे, अब आगे आते हैं किस फाइट में कि अगर हम लोग को और कुछ और अभिक्रिया रहा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यानी कि अगर किस फाइट में, ये सब एग्जाम्पल लेंगे, ये सब थ्योरी है, अलग अलग केस और सब में आपको उसका लिखना होगा, क्योंकि मेरा ये सब लिखा हुआ है तो बार बार इसको मिटा नहीं रहे हैं, आप हर बार नोट कीजिएगा। अगर मेरा आ गया कि 2a plus b से बन रहा है c plus 3d तो कैसे लिखेंगे, अगर ऐसा अभिक्रिया आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे वो हम लोग समझेंगे। तो अगर ऐसा रहेगा तो अभिकारक का जो अभिक्रिया का वेग लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, और प्रतिफल का कैसे लिखेंगे, और इसका कैसे लिखेंगे, यानी कि अभिक्रिया का वेग टोटल मिलाकर कैसे लिखेंगे। तो अब अभिकारक में दो चीज है, ए और बी। अगर हमें 2a plus b से बन रहा है c plus 3d, अगर ऐसा अभिक्रिया रहेगा तब हम लोग कैसे अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो अभिकारक का अभिक्रिया का अभिकारक में तो दो चीज है, ए भी है और बी भी है। तो अगर ऐसा रहेगा तो अभिकारक का वेग लिखेंगे, टू बगल में है तो पहले तो माइनस वन बाय टू डेल ए का सांद्रण बटा में डेल टी, फिर अभिकारक में तो बी भी है इसलिए हम इसको माइनस डेल बी बटा डेल टी। अब वैसे ही प्रतिफल में भी हमें दो चीज है, सी भी है और डी भी है। तो सी का कैसे लिखेंगे, तो सी का लिखने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे, प्रतिफल है तो प्लस, और प्लस है तो यहां हो जाएगा डेल सी का सांद्रण बटा डेल डी इज इक्वल टू, तीन यहां पे क्या है गुना में है तो यहां पे हो जाएगा प्लस वन बाय थ्री डेल डी का सांद्रण बटा डेल डी, और टोटल मिलाकर अगर अभिक्रिया का वेग हमें पूछ रहा है तो टोटल बना देंगे, यानी कि अभिकारक वाला लेकर और प्रतिफल वाला, यानी कि माइनस वन बाय टू डेल ए का सांद्रण बटा डेल टी इक्वल टू माइनस डेल बी का सांद्रण बटा डेल टी इक्वल टू इसका प्लस डेल सी का सांद्रण डेल टी इज इक्वल टू प्लस वन बाय थ्री डेल डी का सांद्रण बटा डेल टी। तो अगर हम लोग अभी तक के देख रहे थे कि अगर किस किस तरह का रिएक्शन रहेगा, अगर ऐसा रिएक्शन रहेगा तो हम लोग अभिकारक का कैसे लिखेंगे, प्रतिफल का कैसे लिखेंगे और अभिक्रिया का टोटल वेग कैसे लिखेंगे। अब हम लोग आते हैं एक लास्ट केस बचा हुआ है, केस नंबर सिक्स। अगर ये केस रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको मैं हम लोग चलिए अब हम लोग देखते हैं केस नंबर सिक्स।
अगर इस तरह का रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन को अच्छे से देखिए, छोटा ए बड़ा ए प्लस छोटा बी बड़ा बी से बन क्या रहा है, छोटा सी बड़ा सी प्लस छोटा डी और बड़ा डी, इस तरह का बन रहा है। तो अगर इस तरह का अगर रिएक्शन दिया हुआ है तो आपको समझना चाहिए ये, जैसे कि अभी हम लोग 2a लिख रहे थे ना, तो यही छोटा a बता रहा है कांस्टेंट का, जैसे 2, 4, 6, 8 कुछ भी, वैसे ही छोटा b बता रहा है कांस्टेंट 8, 10, 11 कुछ भी। तो हम लोग क्या सीखे कि अभिकारक का अभिक्रिया का वेग दो तरह से लिखा जाता है, अभिकारक का भी और प्रतिफल का भी। तो अभिकारक में तो दो चीज है, ए भी है और बी भी है, तो अभिकारक का लिखने के लिए लिखते हैं माइनस, और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे कांस्टेंट को नीचे लिखते हैं, और डेल ए का सांद्रण बटा डेल टी, उस तरह से बी भी है अभिकारक में लेकिन इसके गुणांक में क्या है, छोटा बी है, तो यहां लिखेंगे माइनस अभिकारक की वजह से, और यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को नीचे ले जाते हैं, और डेल बी बटा में डेल टी। फिर प्रतिफल का कैसे लिखेंगे, तो प्रतिफल के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो प्लस यूज करते हैं, तो यहां पे होगा प्लस गुणांक क्या है सी, सी का भी प्रतिफल है डी भी प्रतिफल में है, तो दोनों के लिए लिखेंगे, तो प्लस 1/c डेल सी बटा डेल टी इज इक्वल टू, ये भी प्रतिफल में है तो यहां लिखेंगे प्लस 1/d डेल डी बटा डेल टी। तो इस तरह से अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक से भी हो गया, प्रतिफल से भी हो गया, और टोटल मिलाकर देखा जाए तो अभिकारक वाला यहां -1/a डेल a बाय टी इज इक्वल टू -1/b डेल बी बटा डेल टी, प्रतिफल का भी साथ में, तो प्लस 1/c डेल सी बटा डेल टी इज इक्वल टू प्लस 1/d डेल डी बटा डेल टी। इस तरीके से हम लोग अगर इतना सारा केस रहेगा, यानी कि ऐसा ऐसा रिएक्शन रहेगा, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि अगर कैसा सवाल रहेगा तो हम लोग उसको बनाएंगे कैसे। चलिए अब हम लोग आगे कुछ जो केस पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया का वेग लिखना है, यानी कि अभिक्रिया दिया हुआ है और उसका आपको क्या लिखना है, तो अभिक्रिया का वेग। तो पहला क्वेश्चन है Fe3O4 प्लस H2 से क्या बन रहा है, 3Fe प्लस 4H2O। तो सबसे पहले अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो अभिकारक के वजह से लिखते हैं, तो लिखिएगा अभिकारक का अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का वेग। तो अभिकारक का कैसे लिखेंगे, तो ये Fe3O4 है तो ये की यौगिक है, तो यहां लिखेंगे माइनस डेल किसका सांद्रण, तो Fe3O4 का सांद्रण बटा डेल टी इक्वल टू, अभिकारक में H2 भी है तो माइनस डेल H2 बटा डेल टी। अब उसी के नीचे लिखेंगे प्रतिफल का, क्योंकि अभी जो हम लोग लिख रहे थे वो अभिकारक का लिख रहे थे, तो प्रतिफल का अभिक्रिया का वेग। तो प्रतिफल का अभिक्रिया का वेग कैसे लिखेंगे, तो प्रतिफल में देख रहे हैं कि Fe है और H2O है, तो Fe के आगे गुणांक में क्या है, 3। याद रहे ये वाला 3 का कोई वैल्यू नहीं है, उसको हम लोग सांद्रण में लिखेंगे, परंतु उसके जो गुणांक में रहेगा 3, 4 तो उसको हम लोग डायरेक्ट नीचे ले जाएंगे, लेकिन प्रतिफल में तो प्लस लिखते हैं, तो प्लस यहां 3 है तो 1/3, Fe है तो डेल Fe बटा डेल टी। ये तो Fe का हुआ, प्रतिफल में तो H2O भी है तो इज इक्वल टू उसके आगे क्या है 4, तो प्लस 1/4 डेल किसका सांद्रण, तो H2O का सांद्रण बटा डेल टी। अब अगर कुल मिलाकर अगर बात किया जाए कि अभिक्रिया का वेग हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या क्या होगा, तो अभिकारक वाला भी होगा प्रतिफल वाला भी होगा, तो अभिकारक में ये चीज है यानी कि माइनस डेल Fe3O4
बटा डेल डी इज इक्वल टू एक और अभिकारक का है माइनस डेल एच टू बटा डेल टी इज इक्वल टू प्रतिफल में ये प्लस वन बाई थ्री डेल एफ ई बटा डेल टी इज इक्वल टू प्लस वन बाई फोर डेल एच टू ओ बटा डेल टी यानी सब लिख देंगे अभिकारक वाला भी प्रतिफल वाला भी। तो चलिए क्वेश्चन का अब अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन देखते हैं कि उसको हम लोग अभिक्रिया का वेग। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं 16 Al यानी कि एल्यूमिनियम का 16 एटम 3S8 सल्फर है 8Al2S3 है तो हम लोग इसको कैसे अभिक्रिया का वेग लिखेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अभिकारक में दो ठो है एक एल्यूमिनियम है एक सल्फर है तो एल्यूमिनियम को कैसे लिखेंगे अभिकारक के वजह से तो माइनस लिखते हैं। अब चूंकि गुणांक कितना है 16 तो 1/16 डेल एल्यूमिनियम का सांद्रण बटा डेल डी। अब आगे हम लोग देखेंगे तो सल्फर भी अभिकारक में है तो सल्फर के आगे 3 है तो लिखेंगे माइनस 1/3 डेल S8 का सांद्रण बटा डेल डी। वैसे ही प्रतिफल में तो सिर्फ एक चीज है Al2S3 उसके बगल में क्या है 8 तो प्रतिफल को हम लोग प्लस दिखाते हैं तो लिखेंगे प्लस 1/8 डेल Al2S3 बटा डेल टी और टोटल अभिकारक भी लिखा गया प्रतिफल भी लिखा गया तो कुल मिलाकर अभिक्रिया का वेग हो जाएगा कितना दोनों को मिलाकर लिख देंगे मतलब इतना बराबर इतना बराबर इतना तो ये मेरा हो जाएगा आंसर। चलिए कुछ और वर्क्स देते हैं आप जरा इसको अभिक्रिया का वेग लिखिएगा तो क्वेश्चन लिखा जाए उसके नीचे होमवर्क्स के लिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं का अभिक्रिया का वेग लिखें अभिक्रिया का वेग लिखें। पहला है 2H2+O2 आप बनाएंगे और ग्रुप में जो है उसको सेंड कीजिएगा हम देखेंगे कितने लोग इसको बना पा रहे हैं कितने लोग घर पे पढ़ रहे हैं इसका फायदा ले रहे हैं। NaOH से बन रहा है NHCO3 सबका अभिक्रिया का वेग लिखना है 2HGO से बन रहा है 2HG+O2। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 Zn+2HCl से बन रहा है ZnCl2 ये भी नहीं चल रहा ZnCl2+H2। पांचवा 2Na+2H2O से बन रहा है 2NaOH+H2 ये पांच सवाल हुआ और मिटाते हैं और पांच सवाल दे देते हैं टोटल 10 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन Ca+CO3 गिव्स CaCO3। सातवां PbO+2HCl गिव्स रिएक्शन होकर बन रहा है PbCl2+H2। रिएक्शन दोस्तों दिया हुआ रहेगा आपको सिर्फ अभिक्रिया का वेग लिखना है O2+4RH गिव्स 4R+2H2O। नवा PbO H2SO4 से दिया हुआ है PbSO4+H2O। एंड लास्ट क्वेश्चन है 8Zn
एट जेड एन प्लस एस एट एट जेड एन एस एट जेड एन एस। तो आज तक इतना ही डन करते हैं आप, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभिक्रिया का वेग लिखने के लिए सीखिए कि हम लोग अभिक्रिया का वेग को कैसे लिखते हैं। इसको आप बनाकर आप मेरे को भेजिए ग्रुप में, हम देखेंगे उसको, चेक करेंगे, और फिर इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।